नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे नगर पालिकाओं में किस प्रकार से स्थानों का आरक्षण किया जाता है। आप सभी के व्यूज देखकर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर पटवारी बनने के लिए एक जो ललक है वो वास्तव में आप पटवारी बन के रहेंगे ही, क्योंकि आप ऐसे टाइम पर तैयारी कर रहे हैं जब पटवारी की नोटिफिकेशन नहीं है। लेकिन प्यारे साथियों, सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो इस टाइम पर तैयारी करने की सोचता है। नोटिफिकेशन आने पर तो बहुत तैयारी करेंगे, नहीं होगा उनका सिलेक्शन। अगर वो किसी दूसरे ग्रह से आए हैं तो फिर भी एक बात मानकर चल सकते हैं कि हाँ, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। या फिर वो एक असाधारण अद्वितीय प्राणी है कि बिल्कुल उनके माइंड के कार्य करने की क्षमता एक साधारण मनुष्य से 1000-2000 गुना तेज है, तो सिलेक्शन हो जाएगा, अन्यथा सिलेक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप जो अभी पसीना बहा रहे हैं वो अगर सोचते हैं कि उन 1 महीने 1.5 महीने में हम तैयारी कर ले तो पॉसिबल नहीं है। उस समय व्यक्ति तनाव से इतना भर जाता है कि पढ़ना तो बहुत दूर की बात है, पेपर देने में ही व्यक्ति को घबराहट होती है। तो आप सभी के लिए अच्छी बात यह है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो हमारा सिलेबस कंप्लीट रहेगा और हम बाजी मार ले जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आप पंचायती राज का वीडियो देख रहे हैं, तो आप सब बहुत अच्छे आपकी तैयारी में है कि आप उस समय तैयारी कर रहे हैं जब सिलेक्शन लेने के लिए वास्तव में तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। और अगर पहली बार कोई वीडियो देख रहा है तो अभी भी समय नहीं निकला है, कोशिश करते रहिए, पंचायती राज की वीडियो देखते रहिए, अन्य सब्जेक्ट पढ़ते रहिए, सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, आज हम बात करेंगे जो नगर पालिका है, नगर पालिकाओं में किस प्रकार से स्थानों का आरक्षण किया जाता है, किस प्रकार से स्थान आरक्षित होंगे। भारत के संविधान में जब नगर पालिकाओं के स्थान के आरक्षण की बात की जाती है तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 टी इसके संबंध में प्रावधान करता है। सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि नगर पालिका क्षेत्र में स्थानों का आरक्षण किस संविधान के किस आर्टिकल के तहत किया जाता है, तो आर्टिकल 243 टी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो देखिए, यहाँ पर जब आप आर्टिकल की बात करेंगे, अनुच्छेदों की बात करें, तो सामान्य दो प्रश्न इनसे बन सकते हैं। पहला प्रश्न बनेगा कि स्थानों का आरक्षण किस अनुच्छेद के तहत होता है, आर्टिकल 243 टी, टी है बिल्कुल ध्यान रखना आपको, आर्टिकल 243 टी। दूसरी बात यह थी कि सर ये स्थान आरक्षित कैसे होते हैं, जरा इसके बारे में बताइए। तो पहली कंडीशन तो ये होती है कि जो क्षेत्र है उसकी जो जनसंख्या है, उस जनसंख्या में कितनी जनसंख्या अनुसूचित जाति व जनजाति की है, उनकी जनसंख्या के अनुपात के आधार पर स्थान आरक्षित किए जाते हैं। लेकिन समस्या एक बात की आती है कि हम तो यहाँ पर पढ़ते हैं कि 1/3 भाग यहाँ पर या यहाँ पर 1/3 भाग इसके लिए आरक्षित होता है, तो ये क्या बात है। इसके लिए हम समझेंगे, यहाँ पर कहा गया कि जो कुल जनसंख्या है उस क्षेत्र की, जैसे मान लीजिए कोई भी नगर पालिका क्षेत्र है, उस नगर पालिका क्षेत्र की जो कुल जनसंख्या है, जो टोटल जनसंख्या है, वहां पर जो वयस्क मताधिकार है, यानी जो वोट देने वाले हैं, उन व्यक्तियों की जनसंख्या के आधार पर यहाँ पर स्थान आरक्षित किया जाता है। कहने का मतलब, कुल जनसंख्या में वयस्क मताधिकार के आधार पर कौन कौन यहाँ पर वयस्क मताधिकार के रूप में चयनित है, उसके 1/3 भाग जो अनुसूचित व अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति की जो महिलाएं हैं उनके लिए आरक्षित होगा। तो आप कहेंगे, सर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बना दिया आपने, बहुत कठिन बात कह दी, हमें समझ नहीं आ रहा। कहने का मतलब ये समझिए कि जो उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या है, इस जनसंख्या का जो 1/3 भाग है, ये 1/3 भाग अनुसूचित जाति एवं जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित होगा। केवल इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। लेकिन यह आरक्षित कैसे किया जाएगा, तो यह आरक्षित किया जाएगा वयस्क मताधिकार के आधार पर। अगर आपने संविधान संशोधन अच्छे से पढ़ा है तो कमेंट करके आपको बताना है कि किस आर्टिकल के तहत यहां पर वयस्क मताधिकार के संबंध में कुछ प्रावधान किया गया था, किस संशोधन के तहत यहां पर प्रावधान किया गया था। अब चूंकि आरक्षण के संबंध में बात चल रही है और हम संविधान की चर्चा कर रहे हैं, तो मुझे जहां तक उम्मीद है कुछ बातें आपने संविधान में पढ़ रखी होगी, और नहीं भी पढ़ी है तो हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का एक भाग है, भाग 3। इस भाग 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद दिए गए हैं।
यानी भारत के संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर जो 35 तक अनुच्छेद है, आर्टिकल है, ये किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे, सर हमने अभी तक कई बार इसे पढ़ा है, इसका नाम है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार कहने का मतलब, जब आप कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, भारत के संविधान का डिटेल में अध्ययन करते हैं, तो आप पढ़ते हैं कि भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंधित है और मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद 12 से 35 तक के यहां पर इससे संबंधित है। तो ये तो चूंकि पंचायती राज वाला सिस्टम हम पढ़ रहे हैं, पंचायती राज से संबंधित विषय हम पढ़ रहे हैं, लेकिन जब आप संविधान वाला पोर्शन पढ़ते हैं, किसी भी एग्जाम की जब आप तैयारी करते हैं, तो संविधान में यहां से प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग और कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकार से संबंधित है, तो भाग 3 आर्टिकल 12 से लेकर 35। थोड़ा सा हम इसके हिस्ट्री के बारे में जानेंगे और इत्मीनान से, बहुत ध्यान से आपको चीजों को देखना है। आपके अंदर एक आग होनी चाहिए, एक जुनून होना चाहिए पढ़ने को लेकर कि हाँ सर हम डटे रहेंगे। ये नहीं कि हम रील्स वाले व्यक्ति है कि बस 40 सेकंड 50 सेकंड हमारा ध्यान लगेगा, इसके बाद ध्यान भंग हो जाएगा तो फिर सिलेक्शन नहीं ले पाओगे। तो बेहतर यह है कि मेरे साथ आप बहुत ध्यान से चीजों को समझिए और आज आपके मौलिक अधिकार से संबंधित सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पंचायती राज में तो आपके क्वेश्चन ठीक होना ही है, लेकिन जीएस में मौलिक अधिकार से एक प्रश्न जरूर बनना है, वो प्रश्न भी आज आपका सही होने वाला है। तो ध्यान रखना, भारतीय संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार से संबंध रखता है, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो हम पढ़ रहे हैं स्थानों का आरक्षण, यानी हम आरक्षण के बारे में पढ़ रहे हैं, रिजर्वेशन से संबंधित किन आर्टिकल में चर्चा की गई है, इसीलिए मैं मौलिक अधिकार से संबंधित बातें कर रहा हूं। कि हमने देखा कि नगर पालिका क्षेत्र में स्थानों का आरक्षण किया जाता है, तो आरक्षण संबंधित कुछ प्रावधान हमारे भारतीय संविधान के किस भाग में है, थोड़ा सा हम उन्हें देखते हैं। जब आप मौलिक अधिकार को पढ़ते हैं और डिटेल में समझते हैं, आपने अभी तक सिर्फ फैक्ट पढ़े हैं, तो मेरे ख्याल से आप एग्जाम निकालने के लिए अभी तैयार नहीं है। फैक्ट के आधार पर एग्जाम नहीं निकाला जा सकता जब तक आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो। कंसेप्चुअल थोड़ी सी अवधारणात्मक समझ आपके पास रहना चाहिए। तो जब मैं मौलिक अधिकार की बात करता हूं, तो हम जानते हैं आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, यहां तक कोई समस्या नहीं। तो भारतीय संविधान के दो अनुच्छेद जो मौलिक अधिकार से संबंधित है, एक है आर्टिकल 12 और एक है आर्टिकल 13। अब आप कहेंगे कि सर अभी तक हमने देखा था कि आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन है, क्योंकि हम पढ़ते हैं समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ऐसे विभिन्न अधिकारों के बारे में हम जानते हैं, लेकिन अभी तक हमने आर्टिकल 12 और 13 को नहीं पढ़ा, आखिर इसमें क्या दिया गया है? तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, भले ही आप मौलिक अधिकार आर्टिकल 14 से पढ़ना शुरू करें, लेकिन जब बात आती है कि मौलिक अधिकार से संबंधित अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो ध्यान रखना अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक मौलिक अधिकारों से संबंधित आर्टिकल है। यहां तक बात क्लियर है? आर्टिकल 12 में क्या कहा गया है? तो आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य किसे कहते हैं? राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में। आप कहेंगे वाह सर, राज्य के बारे में तो हम दिन रात पढ़ते हैं। तो प्यारे साथियों, जब आप पॉलिटी को पढ़े तो थोड़ा सा दिमाग खुला रख के पढ़े, थोड़ा सा चीजों को समझ के पढ़े। कभी कभी जो चीज दिखती है वो होती नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। यहां राज्य का मतलब आपके स्टेट से नहीं है कि आप कहें कि सर हम मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से, राजस्थान से या उत्तर प्रदेश से इसका संबंध लगा रहे हैं, इसका मतलब समझ रहे हैं। तो राज्य का मतलब यहां स्टेट से नहीं है। अधिकांशतः जब आप न्यूज सुनते हैं या बुक को पढ़ते हैं, तो आप सुनते होंगे कि राज्य द्वारा ऐसा किया गया, वहां पर किसी राज्य का उल्लेख नहीं मिलता। इसका मतलब हमें समझना होगा कि हम सामान्यतः हमारे संदर्भ में जो हम प्रांत होते हैं उन्हें राज्य कहते हैं, लेकिन वास्तव में राज्य का मतलब जिस राज्य से हम समझते हैं, जैसे हम समझ रहे हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तो ये राज्य का संबंध यहां पर नहीं है। इस राज्य का मतलब है यहां पर भारत से। तो ध्यान रखना,
जब भी संविधान आप पढ़े तो संविधान को बहुत अच्छे ढंग से, बहुत समझ के, बहुत कंसंट्रेशन के साथ आपको पढ़ना होगा कि राज्य का मतलब यहाँ पर किससे लिया जा रहा है। राज्य का मतलब भारतीय संविधान में अधिकांशतः जब आप पढ़ते हैं या इंटरनेशनल लेवल पर आप चीज़ों को देखते हैं तो वहाँ पर देशों के संबंध में राज्य का उल्लेख मिलता है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि मध्य प्रदेश प्रांत जो है, मध्य प्रदेश प्रांत यहाँ पर राज्य से संबंधित है, ऐसा नहीं है। यहाँ पर राज्य का मतलब देश से लिया जाता है। आप अधिकतर पढ़ते हैं कि इस राज्य के द्वारा ये कार्य किया गया, जब आप इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों को पढ़ते हैं तो इसका मतलब है देश से संबंधित बात की जा रही है। तो अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा देते हैं। अब आप कहेंगे सर राज्य में क्या आता है, तो भारत में जितनी भी चीजें हैं सभी राज्य के अंतर्गत आएगी। इसका मतलब क्या, जितने भी सरकारी उपक्रम है या निजी उपक्रम है, जिन्हें भी आप देखते हैं वे सभी चीजें आप राज्य के अंतर्गत मान सकते हैं। फिर आर्टिकल 13 बड़ा ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद है और बहुत ही अच्छा अनुच्छेद है। इस आर्टिकल 13 में न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति दी गई है। न्यायिक पुनरावलोकन, पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आर्टिकल 13 में दी गई है। अब यह क्या है, थोड़ा सा इसे समझने की कोशिश कीजिए। न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब यह है कि भारत के संविधान से असंगत अगर कोई भी कानून हो तो वह कानून मान्य नहीं होगा। और जैसे कि समझने का प्रयास कीजिए, आप कहेंगे सर ये जो भाषा है हमें समझ में नहीं आ रही, पहले थोड़ा सा मतलब समझने का प्रयास कीजिए। जैसे मान लीजिए कोई बिल है, कोई बिल पास किया गया, जब इस बिल को पास किया गया तो पास करने के बाद न्यायालय ने इस बिल का अवलोकन किया और न्यायालय ने देखा कि जो भारत के संविधान की जो मूल धारणा है, या बात करें हम यहां पर जो ये जो बिल है, ये जो बिल यहां पर पास किया गया है, ये बिल हमारे संविधान से असंगत है, यानी हमारे संविधान से मिला जुला नहीं है, ये इससे असंगत है। तो यहां पर न्यायपालिका को एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार दिया गया कि न्यायपालिका उस बिल को पुनरावलोकन के लिए भेज सकती है या उस बिल को यहां पर कह सकते हैं निर्णायक घोषित नहीं कर सकती है। कहने का मतलब यह है कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आर्टिकल 13 के अंतर्गत दी गई है, यानी भारत के संविधान से असंगत कोई भी चीज अगर हो तो आर्टिकल 13 के तहत उसे यहां पर कह सकते हैं अयोग्य घोषित किया जा सकता है, या बात कर सकते हैं हम यहां पर उसे मान्यता नहीं दी जा सकती है। इसका संबंध आर्टिकल 13 के अंतर्गत दिया गया है। इसमें बहुत डिटेल में आप चीजों को पढ़ेंगे। फिर बात आती है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, या इसे आप कहते हैं समता का अधिकार, तो आप पढ़ेंगे आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन मिलता है। एक एक अधिकार को हम डिटेल में समझेंगे। जब हम आर्टिकल 14 की बात करते हैं तो आर्टिकल 14 क्या कहता है उसके बारे में समझिए। मैं थोड़ा सा यहां पर साफ कर देता हूं। देखिए आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 दो बातों को कहता है। आर्टिकल 14 कहता है विधि के समक्ष समता, विधि के समक्ष समता, दूसरी बात कहता है विधियों का समान संरक्षण, विधियों का समान संरक्षण। अब यह क्या बात है, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आर्टिकल 14 दो बातों को कह रहा है कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो पहली बात तो यह कि ये जो विधि के समक्ष समता है इसका मतलब क्या है वो समझिए। विधि के समक्ष समता का मतलब होता है कि कानून के समक्ष, विधि का मतलब ही होता है कानून, यानी कानून के सामने सभी बराबर होंगे। तो विधि के समक्ष समता, समता का मतलब है समान या बराबर। लेकिन एक बात सोचकर देखिए, जैसे मानकर देखिए एक कोई विकलांग व्यक्ति है और एक कोई साधारण या स्वस्थ व्यक्ति है, इन दोनों से कहा जाए कि आपको तैराकी में अगर हिस्सा लेना है, दोनों चाहते हैं कि हम तैराकी में हिस्सा लें, तो क्या दोनों के लिए एक जैसे नियम होने चाहिए? आप कहेंगे कि सर
जो व्यक्ति विकलांग है अगर वह तैराकी में हिस्सा लेता है तो सामान्य सी बात है, अधिकांशतः ऐसा देखा जाएगा कि जो साधारण व्यक्ति है, जो स्वस्थ व्यक्ति है, जिसे कोई समस्या नहीं है, वह उस साधारण व्यक्ति से कहीं ना कहीं जीतने में थोड़ी सी, अगर कितनी भी कोशिश करे तो थोड़ा सा पीछे ही रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि विधि के समक्ष सभी व्यक्ति समान नहीं हो सकते। एक बात तो हमें समझ में आ गई, क्यों? क्योंकि सभी के लिए एक जैसे नियम नहीं हो सकते। तो फिर हमारे संविधान में एक बात का और प्रावधान किया गया कि विधियों का समान संरक्षण। विधियों का समान संरक्षण, इसका मतलब यह है कि हाँ, कुछ मामले ऐसे हैं जहां पर आप नियम थोड़े से परिवर्तित कर सकते हैं, यानी आप थोड़ा सा भेदभाव कर सकते हैं, लेकिन ये भेदभाव कैसा होना चाहिए? सकारात्मक। आप कहेंगे सर इसका मतलब क्या? जैसे कि हमने क्या देखा कि दो व्यक्ति जब तैराकी में हिस्सा ले रहे हैं, एक व्यक्ति साधारण है और एक विकलांग है, तो उन दोनों पर एक नियम आप लागू नहीं कर सकते। इसका मतलब जो दूसरा व्यक्ति है उसे कहीं ना कहीं विधियों का समान संरक्षण यहां पर दिया जाना चाहिए और सकारात्मक भेदभाव आप कर सकते हैं। ध्यान रखना, विधियों का समान संरक्षण यानी सकारात्मक भेदभाव आप कर सकते हैं। वही पहली बात क्या कह रही है कि विधियों के समक्ष समता, यानी विधि के समक्ष सभी समान होंगे, लेकिन वहीं आप विधियों का समान संरक्षण, ये प्रावधान भी आर्टिकल 14 ही करता है। तो विधि के समक्ष समता इस बात को कहां से लिया गया है, यह प्रश्न आपको जीएस में पूछा जा सकता है। तो आपको ध्यान रखना है ब्रिटेन से ये जो बात है, विधि के समक्ष समता, ये ब्रिटेन से ली गई है। वहीं विधियों का समान संरक्षण इस कथन को कहां से लिया गया है, तो ये यूएसए यानी अमेरिका के संविधान से लिया गया है। ब्रिटेन में एक व्यक्ति हुए डाइसी, डाइसी के द्वारा इस कथन को बताया गया था, इस बात को बताया गया था कि विधि के समक्ष सभी समान होने चाहिए। तो ब्रिटेन के द्वारा ही या ब्रिटेन से ही इस बात को लिया गया है, विधि के समक्ष समता को, और विधियों का समान संरक्षण यानी सकारात्मक भेदभाव आप कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं उसके बारे में हमने उदाहरण से समझा, और इस बात को यूएसए के संविधान से लिया गया है। यहां तक बातें समझ में आई? अगला है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 को हम समझते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है अनुच्छेद 15। आर्टिकल 15 क्या कहता है? आर्टिकल 15 कहता है कि यहां पर धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, इनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। सोचिए हमारा संविधान जब 1947 में संविधान सभा के द्वारा जब लिखा गया था, 1949 में ये कंप्लीट हुआ और 50 में जब ये लागू हुआ, तो इतने वर्ष पूर्व कितने अच्छे ढंग से इस संविधान को लिखा गया कि हर एक चीजें हम यहाँ पर जो देखते हैं वह कहीं ना कहीं बहुत उचित दिखाई देती है। आर्टिकल 15 ने क्या प्रावधान किया कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर आप किसी भी व्यक्ति के समक्ष भेदभाव नहीं कर सकते। ये होता है आर्टिकल 15। लेकिन आप कहेंगे कि सर हमने कुछ आर्टिकल पढ़े हैं, जैसे कि आर्टिकल 15(3), आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 15(5). हमने ये देखा कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन फिर हमारा संविधान वही एक बात और कहता है आर्टिकल 15(3) के तहत कि यहां पर बच्चों एवं महिलाओं, ध्यान रखना, आर्टिकल 15 ने कह दिया कि धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर आप भेदभाव नहीं करेंगे। लेकिन वही आर्टिकल 15(3) एक बात और कह रहा है कि आप बच्चों एवं महिलाओं के लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकते हैं। फिर हुआ क्या, आर्टिकल 15(4), हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया 1951 में, यह संशोधन हुआ जो कि भारत के संविधान का पहला संशोधन था। 1951 में प्रथम संशोधन किया गया। प्रथम संशोधन 1951 में होता है और इसके द्वारा क्या जोड़ा गया कि जो एससी एवं एसटी यानी कि अनुसूचित जाति, जनजाति, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो वंचित वर्ग है, जो वर्ग पिछड़ा हुआ है, इनके संदर्भ में आप जो शैक्षणिक संस्थान है, इन शैक्षणिक संस्थानों में आप आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 15(4) के तहत यह प्रावधान किया गया। और
ये आर्टिकल कब जोड़ा गया? तो पहला संविधान संशोधन 1951 में होता है, इसके द्वारा ये आर्टिकल जोड़ा गया। यानी शैक्षणिक संस्थानों में आप प्रावधान कर सकते हैं। 15(5) को आप जब पढ़ेंगे तो 15(5) में भी ये प्रावधान किया गया और इस आर्टिकल को 93 संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा जोड़ा गया। तो 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा आर्टिकल 15(5) अनुच्छेद 15(5) भारतीय संविधान में जोड़ा गया और इसके द्वारा भी ये प्रावधान किया गया कि अनुसूचित जाति जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग सामाजिक व शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा वर्ग है इनके लिए आप शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर फिर ये दोनों आर्टिकल अलग अलग क्यों हैं? 15(4) भी वही बात करता है जिसे प्रथम संशोधन यानी पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ा गया। आर्टिकल 15(5) भी वही बात करता है जिसे 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 के द्वारा जोड़ा गया। तो दोनों में अंतर क्या है? दोनों में अंतर यह है कि जहां पर आर्टिकल 15(4) यानी अनुच्छेद 15(4) शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का प्रावधान करता है तो यहां पर जो शैक्षणिक संस्थान है ये सामान्य शैक्षणिक संस्थान है, लेकिन 93वां संविधान संशोधन अधिनियम 2006 जो प्रावधान करता है ये प्रावधान करता है उच्च जो शैक्षणिक संस्थान है जैसे कि IIT हुआ, एम्स हुआ, यहां पर जो आरक्षण का प्रावधान करता है वे करता है 15(5), इसीलिए इन्हें अलग अलग यहां पर लाया गया। तो पहला संविधान संशोधन अधिनियम 1951 आर्टिकल 15(4), 2006 में 93वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ आर्टिकल 15(5). यहां तक की कहानी स्पष्ट है। अब हम आगे की ओर देखते हैं आर्टिकल 16 अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 क्या कहता है कि लोक अभिनियोजन में अवसर की समता, यानी इसे साधारण भाषा में मैं कहूं तो जो सरकारी नौकरी है इस सरकारी नौकरी में यहां पर जो अवसर है ये अवसर समान दिए जाएंगे, सभी को समान अवसर दिए जाएंगे। तो आप कहेंगे सर हम तो यहां पर देखते हैं कि कुछ वर्गों के लिए यहां पर आरक्षण का प्रावधान भी किया जाता है। तो आर्टिकल 16 केवल इतनी बात ध्यान रखना है कि लोक अभिनियोजन या लोक नियोजन में अवसर की समता यानी सरकारी नौकरी में सभी व्यक्तियों को समान अवसर दिया जाएगा। लेकिन वहीं आर्टिकल 16(4) ये इस बात को कहता है कि ठीक है सरकारी नौकरी में अवसर की समता है, समान अवसर दिए जाएंगे, लेकिन 16(4) एक बात और कहता है कि जो अन्य पिछड़ा वर्ग है अनुसूचित जाति जनजाति या अन्य पिछड़ा वर्ग है अगर इनका सरकारी नौकरी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है यानी इनका अपर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, जिन्हें लगता है सरकार को लगता है कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व होना चाहिए और जितना प्रतिनिधित्व होना चाहिए उतना प्रतिनिधित्व नहीं है तो यहां पर आरक्षण का प्रावधान है। तो आज हम स्थानों का आरक्षण पढ़ रहे थे इसलिए मेरा उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं आपको मौलिक अधिकार भी कंप्लीट करा देने चाहिए। यहां पर आर्टिकल 16 हम देख रहे हैं सरकारी जो नौकरियां हैं उसमें अवसर की समता है। आर्टिकल 16(4) कहता है कि अनुसूचित जाति जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण का प्रावधान किया जाना चाहिए, लेकिन कब? जब लगता है गवर्नमेंट को कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि सर ये बात समझ में कैसे आएगी कि इनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं? तो इसके संदर्भ में एक अनुच्छेद है आर्टिकल 340। आर्टिकल 340 में एक प्रावधान किया गया कि आर्टिकल 340 के तहत प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति एक आयोग का गठन करेंगे और इस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पता लगाया जाएगा कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं और उसके बाद आरक्षण का प्रावधान किया जाएगा। तो 16(4) के तहत 340 इससे जुड़ा हुआ है, प्रेसिडेंट के द्वारा यहां पर एक आयोग का गठन होगा जो ये बताएगा कि पर्याप्त प्रतिनिधित्व है या नहीं। इसके संदर्भ में दो बार यहां पर आयोग का गठन भी किया गया, एक बार 1953 में 1953 में बना काका कालेलकर आयोग और एक बार 1978 में बना बीपी मंडल आयोग जो कि आर्टिकल 16 से संबंधित था। यहां तक की बातें स्पष्ट है। आगे की ओर जब हम देखते हैं आर्टिकल 17 तो आप सभी जानते हैं कि सर इसका नाम तो हमें बिल्कुल रटा हुआ है और शायद ही कोई हो जिसे इस आर्टिकल के बारे में नहीं पता हो। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत करता है यानी छुआछूत का अंत करता है आर्टिकल 17।
फिर इसके बाद समता के अधिकार या समानता का अधिकार जो हम पढ़ रहे थे, इसका अंतिम आर्टिकल है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 करता है उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। देखिए आप कहेंगे कि सर ठीक है उपाधियों का अंत होता है, लेकिन हम कुछ उपाधि तो देखते हैं। तो यहां पर आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत करता है, तो इसके संदर्भ में एक बात और कहता है कि दो यहां पर उपाधि आप दे सकते हैं, एक तो शिक्षा संबंधी और एक सेना संबंधी। जैसे कि आप सुनते होंगे अधिकतर कोई सा भी चक्र सेना से संबंधित दिया जाता है तो वे आर्टिकल 18 के तहत दिया जाता है, और शिक्षा संबंधी कोई भी आर्टिकल, जैसे कि आप जब पीएचडी करते हैं या डॉक्टरेट की जो उपाधि आप लेते हैं तो वे शिक्षा संबंधी उपाधि है। कहने का मतलब आर्टिकल 18 उपाधियों का अंत तो करता है, लेकिन शिक्षा व सेना से संबंधित आप उपाधि दे सकते हैं। होता क्या है कि जब आप प्राचीन इतिहास को पढ़ते हैं या आधुनिक भारत के बारे में जानते हैं तो वहां पर बहुत सारी उपाधियां चलती थी, जैसे लाट साहब एक उपाधि होती ही थी, सर एक उपाधि होती थी। तो इससे क्या होता था, कुछ व्यक्ति समाज में उत्कृष्ट दिखते थे, कुछ निचले स्तर पर दिखते थे, जो कहीं ना कहीं व्यक्ति को एक हीनता का भाव लाते थे। तो हमारे संविधान को जब लिखा गया तो जब समानता की बात की गई, समता की बात की गई, कैसे आप समानता स्थापित करेंगे, तो आर्टिकल 14 से 18 में सभी चीजों के ऊपर डिटेल में बात की। 14, 15, 16, 17, 18 डिटेल में यहां पर चर्चा की गई, और जब डिटेल में चर्चा की गई तो आर्टिकल 18 में उपाधियों का अंत किया गया कि कोई भी अब लाड साहब सर इस तरीके की उपाधियां नहीं लगाएगा, बल्कि शिक्षा व सेना से संबंधित ही उपाधियां यहां पर दी जाएगी। तो प्यारे साथियों, चूंकि ये स्थानों के आरक्षण से संबंधित बातें हम देख रहे थे, इसीलिए मुझे लगा कि मौलिक अधिकार के उन आर्टिकल को हमें समझना चाहिए जो कहीं ना कहीं परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हमने देख लिया कि कुल जनसंख्या के 1/3 भाग एससी व एसटी के लिए, वही कुल जनसंख्या का 1/3 भाग यहां पर महिलाओं हेतु भी आरक्षित किया जाएगा। लेकिन कैसे आरक्षित किया जाएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर आरक्षित किया जाएगा। पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, प्लेलिस्ट में जाकर पंचायती राज के सभी वीडियो देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।